हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इकोमेट 18-15 का कंपेरिजन वीडियो अशोक लेलैंड के ही एक दूसरे गाड़ी के साथ, जो है बॉस 1920 BS6। तो दोस्तों, कंपेरिजन वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेजेबल भी होने वाला है। आप लोगों को दोनों गाड़ियों के बीच क्या अंतर है ये इस वीडियो से पता चल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में। अशोक लेलैंड के इकोमेट 1815 में आपको 4 सिलेंडर वाला एस सीरीज BS6 इंजन मिलता है, जो कि एक डीजल इंजन रहता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का बॉस 1920 है, इसमें आपको 6 सिलेंडर वाला एस सीरीज BS6 डीजल इंजन मिलता है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के पावर के बारे में, तो इकोमेट 1815 में आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि 2400 RPM में मिलता है। वहीं जो बॉस 1920 है, इसमें आपको 200 हॉर्स पावर मिलता है, जो आपको 2400 RPM में मिलता है। तो यहाँ भी आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दोनों गाड़ियों की पावर में 50 हॉर्स पावर का डिफरेंस है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के टॉर्क के बारे में, तो इकोमेट 1815 का टॉर्क 450 Nm का रहता है, और वहीं जो बॉस 1920 BS6 है, इस गाड़ी का जो टॉर्क है ये 700 Nm रहता है, जो कि आपको 1200 से 2000 RPM में दोनों गाड़ियों में मिलता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ गाड़ियों के नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो हम देखेंगे दोनों गाड़ियों के कैबिन को। इकोमेट में आपको इकोमेट का डे और स्लीपर कैबिन मिलता है, जो कि टिल्ट टेबल कैबिन रहता है। वहीं जो बॉस 1920 है, इसमें आपको बॉस वाला अशोक लेलैंड का कैबिन मिलता है, जो कि टिल्ट टेबल रहता है और ये सिर्फ स्लीपर रहता है। तो यहाँ पर कैबिन में मेजर डिफरेंस है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे दोनों गाड़ियों के स्टेयरिंग के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इकोमेट 1815 की स्टेयरिंग के बारे में आपको बता दूँ, इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बॉस 1920 BS6 की स्टेयरिंग के बारे में, तो इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टेयरिंग तो मिलता ही है। इसके साथ साथ जो इसका स्टेयरिंग रहता है, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक रहता है, जो कि ड्राइवर की हाइट के हिसाब से एडजस्ट होता है। यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस दोनों गाड़ियों में ये है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन के बारे में, तो पहले मैं बात बताऊँगा आपको फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। तो इकोमेट 1815 में आपको सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीप सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिलेगा। वहीं जो बॉस का 1920 गाड़ी है अशोक लेलैंड का, इसमें आपको सेमी इलेक्ट्रिक लीप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को फ्रंट में मिलेगा। तो दोनों गाड़ियों में आपको यहाँ पर हैवी लोड के लिए सस्पेंशन लगा के दिए जाते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ हैवी लोड के लिए डिज़ाइन की गई हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के रियर सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको इकोमेट 1815 में सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीप सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का बॉस 1920 ट्रक है, इसमें आपको रियर में सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीप सस्पेंशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको हैवी लोड ले जाने के लिए यहाँ पर हैवी सस्पेंशन अशोक लेलैंड के द्वारा दोनों ही गाड़ियों में लगा के दिया जा रहा है। तो दोनों ही गाड़ियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड लेके जा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करूँ दोनों गाड़ियों के ब्रेक्स के बारे में, तो दोनों गाड़ियों में, यानी कि अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 और बॉस 1920, दोनों में आपको एयर ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो पार्किंग ब्रेक मिलेगा सिर्फ रियर व्हील्स में मिलेगा। तो यहाँ पर एयर ब्रेक्स का जो एडवांटेज रहता है, ये रहता है कि एक, इनका मेंटेनेंस बहुत कम रहता है, और दूसरा इनकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर एक ये दोनों गाड़ियों में कॉमन फीचर है। दोस्तों, अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पर आपको इकोमेट 1815 में 185 लीटर का फ्यूल टैंक अशोक लेलैंड के द्वारा लगा के दिया जाता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का बॉस 1920 BS6 है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। 185 लीटर का टैंक एक कंपनी लगा के देती है, और जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें आपको 350 लीटर का टैंक कंपनी की द्वारा लगा के दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों गाड़ियों में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। दोनों गाड़ियों में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अलग अलग है। आपको यहाँ पर एक गाड़ी में सिर्फ एक टैंक और दूसरी गाड़ी में दो ऑप्शन है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ दोनों गाड़ियों के टायर्स के बारे में, तो अशोक लेलैंड का जो इकोमेट 1815 है, इसमें आपको 295/90 R20 के ट्यूब टायर्स लगा के दिए जाते हैं। वहीं जो अशोक लेलैंड का बॉस 1920 BS6 गाड़ी है, इसमें आपको 295/90 R20 के 16 PR वाले टायर्स लगा के दिए जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में दो टायर और रियर में चार टायर, और साथ साथ कंपनी के द्वारा दोनों ही गाड़ियों में एक स्पेयर टायर लगा के दिया जाता है।
दोस्तों अगर बात करें दोनों गाड़ियों के लोडिंग स्पैन के बारे में, तो यहाँ पर अशोक लेन का जो इकोमेट 1815 है, इसमें आपको 6.1 मीटर, 6.7 मीटर और 7.3 मीटर के लोडिंग स्पैन देखने को मिलेंगे। वहीं जो अशोक लेन का बॉस 1920 गाड़ी है, इसमें आपको 5.5 मीटर, 6.1 मीटर, 7.3 मीटर और 9.3 मीटर के लोडिंग स्पैन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे लोडिंग स्पैन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेट कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोनों गाड़ियों का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट। यहाँ पर इकोमेट 1815 का GVW 17.5 टन का रहता है, वहीं जो अशोक लेन का बॉस 1920 BS6 है, इसका GVW 18.5 टन रहता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के GVW में 1 टन का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ दोनों गाड़ियों के पेलोड के बारे में। तो यहाँ पर आपको इकोमेट 1815 में 11.74 टन का पेलोड देखने को मिलेगा। वहीं जो अशोक लेन का बॉस 1920 गाड़ी है, इसमें आपको लगभग 12.5 टन का पेलोड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पेलोड में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही ट्रकों में। दोस्तों वेट कैपेसिटी को कंपेयर करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा दोनों ट्रकों के माइलेज के बारे में। अशोक लेन का इकोमेट 1815 आपको 7 से 9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। वहीं जो अशोक लेन का बॉस 1920 BS6 है, इस ट्रक में आपको 5 से 8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज लगभग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो गाड़ी का माइलेज होता है वो बहुत सारी कंडीशन सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो माइलेज कम या ज़्यादा रह सकता है। अब मैं बात करता हूँ दोनों गाड़ियों के प्राइस के बारे में। तो इकोमेट 1815 जो गाड़ी है, ये आपको लगभग 24 से 25.5 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में मिल सकती है। वहीं जो अशोक लेन का बॉस 1920 BS6 है, ये आपको लगभग 25 से 26 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में मिल सकता है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी का एग्जैक्ट या ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप नियरेस्ट डीलरशिप में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कंपेरिजन वीडियो कैसा लगा, इकोमेट 1815 वर्सेज बॉस 1920, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ साथ अगर आपको किसी और ट्रक का कंपैरिजन वीडियो या रिव्यू वीडियो बनवाना है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।